आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। इस वक्त पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि मतदान चल रहा है, जिसमें चार चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद भी हो गई है। जिसके बाद पांचवें चरण 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों की बारी है, जिसका मतदान 27 को होना है। इस चरण के चुनाव में प्रदेश की धर्मनगरी यानी कि संगम नगरी और राम नगरी अयोध्या शामिल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पांचवें चरण का सियासी समीकरण प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। यूपी के सियासी समर में आधे से ज्यादा लड़ाई अब पूरी हो चुकी है। अब पांचवें चरण के इस चुनाव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर उनकी कर्मभूमि चित्रकूट और प्रयागराज में मतदान होगा। ।2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें 2 सीटें अपना दल की शामिल है, जबकि समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 1 और निर्दलीय को महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। यूपी के पांचवें चरण में अयोध्या के साथ साथ ही गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीटों पर भी सियासी दलों की परीक्षा होनी है, तो रायबरेली जिले की भी एक सीट इसी चरण में आती है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं, तो पूर्वांचल के तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, कोंडा और श्रावस्ती जैसे अहम जिले भी इस चरण में शामिल हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटों के साथ साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें इस चुनाव में शामिल हैं। यूपी के इस चरण के चुनाव में योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा होनी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। जबकि प्रतापगढ़ की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं पांचवें चरण के इस विधानसभा सीट पर पांचवें चरण में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर और उनकी बहन पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में है। मां और बहन दोनों ही सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। सूबे के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा है, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था, ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी करना चाहती है, जबकि बसपा भी इस चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। लेकिन अब इसका खुलासा तो 10 मार्च को ही होगा कि आखिर जनता ने
किसको सूबे की कमान आगामी 5 साल के लिए सौंपी है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजवानी की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।